हेलो जय हिंद, जय महाकाल भाई। जय। क्या बोलिए। बोलते आप बोले कॉल करने के लिए। हो? आपने दिल पे ले लिए। मैं बोला नहीं, आप बोले थे ना मेरे को डाल दो यूट्यूब पर बोलकर। डालो, नहीं बोला था मैं बोला मेरा जो यूट्यूब पर है, जैसा जो भी जितने लोग ने मेरे को सपोर्ट दिया है तो वो मैं आपको बताता हूँ, ये बोला था क्या सपोर्ट आपने। मिला यार आपको? एक मैं भेजा यानी ना जो सर पब्लिक आपको। को, नहीं, सुनो एक बात मेरी, बस सुनो आप। खैर, मैं ये आपका जो आपने फ्रेंडली जैसे तौर पे डाले को, तो नहीं, वैसा सुनो नहीं हूँ सुनो मैं। सुनो सर, जो मेरी आपने बात सुनो, डाले आप ना मेरी मैं बात वैसा सुनो, नहीं हूँ। एक बात मेरी बताओ, आप करला कट्टी किसको बोलते हैं? करना मतलब करला कट्टी किसको बोलते हैं? नहीं, मुझे पता नहीं सर। मुदगर के कितने स्वरूप रहते हैं? कितने रहते हैं? आप देखो, आप जो है तो पहलवान हो। आपकी, मैंने इससे पहले भी बताया आपको, आप पहलवान हो, आपकी उम्र ज़्यादा है, आपको तजुर्बा ज़्यादा है मेरे से। हाँ, जी तो मैंने आपको सीधा सीधा यही बताया था ना कि मतलब मेरे को पता नहीं है सर ये सब चीज़ें के बारे में नहीं, ना सब कुछ। पिछली बार मेरे को बोले थे कि आज तक किसी को मुदगर के बारे में मालूम ही नहीं था, जबकि कई हाँ सारे राज्यों में अखाड़े हैं और हर कोई नहीं, जितना, आपके नहीं, आपके जितने भी आप लोग की, अखाड़े आप लोग की हैं। वीडियोस देखते हैं ना, तब जो घर में जो वीडियोस देखते हैं ना, आप समझो हाँ आप वहाँ पर हो, ठीक है, आप हाँ आपके एरिया में हो, हाँ और किसी को फॉर एग्जांपल दिल्ली में मुद्दर मुद्गर चाहिए या मुंबई में मुद्गर चाहिए, तो जी आपकी वीडियो मतलब लेते, जैसा खरीदने के बाद में आपकी वीडियोस देख के ही उन एक, लोग ये करते हैं ना, जो यूज करना कैसा है इसको, आप लोगों की वीडियो देख के इन लोग को वो अच्छा करते ठीक है, हैं। मेरे वीडियोस देखे, मैं कितने स्टाइल्स बताया हूँ अभी तक? नहीं, उन लोग जो लोग खरीदते हैं ना सर, तो आप जो स्टेप बताते हो, जैसा बताते हो, जी, तो उन लोग वो देख के ही तो यूज करते हैं ना सर उसको। मुदगर का इतिहास कुछ पता है क्या आपको? पहला अरे सर, फिर मुदगर आप, किसको मिला था, आपको कुछ पता है क्या? फिर वही आप मतलब वही बात कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरे को मतलब ये सब चीजों के बारे में पता नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम आपसे एक ही चीज, आप गलत शेप बना रहे हैं लोगों को। हाँ आप जो है तो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टैक्स पे नहीं करते, आप अच्छा, जंगल से लकड़ी लाके देते, हम यहाँ पर जीएसटी ले पे करते, गवर्नमेंट को टैक्स पे करके लोगों को ओके, प्रोवाइड कराते हम। आपका बिजनेस कच्चा, हाँ किसी को बिल दिए क्या आप आज तक? अमेजोन पे आप लोगों के एजेंट सप्लाई करते बोलकर आप बताए, क्या वो हाँ लोग बिल देते? अमेजोन के ऊपर जाने के बाद बिल मिलता क्या? अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का होने दो या मीशो का होने दो, बिल जाता क्या उन लोगों को? बराबर नहीं जाता नहीं जाता ना। सही है। ये तो आप देश की सेवा कैसा कर रहे हैं बताओ? आप लास्ट टाइम मेरे को बोले थे कि आप देश की सेवा कर रहे हैं और हर घर में हम लोग मुदगर पहुंचाए। चलो मैं मानता हूँ आप लोग मुदगर पहुंचाए, गवर्नमेंट के साथ क्या कर रहे हैं अच्छा, आप चाहते हो कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट को देना चाहिए टैक्स वगैरह, है ना? आप? कानून कानूनी नहीं होता वो? कानून नहीं है क्या वो देना गवर्नमेंट को टैक्स? जरूरी है, वो तो है, बात सही है आप आपकी लाते सर, कच्ची लकड़ी, लाते जंगल से काट के लाते, सही आपको बात है। 70 रुपए किलो मिलता? नहीं, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको, ज्यादा से ज्यादा एक मुद्गर बनने में, यानी किलो के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं, आपको 40 से 50 रुपए किलो पड़ता। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बराबर है, फिर आप उसको मेरे को 90 में देंगे, पब्लिक को 150 रुपए में देंगे, किसका नुकसान हो रहा बोला इसमें? नुकसान तो किसका हो रहा, मतलब ये तो किसका हो रहा बिक्री की नुकसान? चीज है ना, बिक्री की चीज है। अरे यार, बिक्री की चीज मैं भी मानता हूँ, नुकसान किसका हो रहा हाँ, है इसमें? पब्लिक का, गवर्नमेंट पब्लिक का हो रहा है या गवर्नमेंट का हो रहा? का हो रहा। हाँ फिर आप कर रहे सो काम लीगल है या इलीगल है? बराबर है, नहीं, एक बात बताइए मेरे को, आप जो कार्य आप कर रहे हैं वो जायज है या नाजायज है? तो क्या बोलूँ आपको, आप तो YouTube पर डाल देते हो। YouTube का छोड़ो, आप वो नहीं डालूंगा मैं, आप एक बात बताइए, जो आप कार्य कर रहे हैं वो जायज है या नाजायज है? ना जाए बराबर, नाजायज है ना।
फिर आप लास्ट टाइम बोले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को इतनी इनकम हो रही बोल के आप हिंदू मुसलमान को बीच में ला लिए, नहीं अल्लाह को लाया हाजिर सर। नाजिर मान के आप बोल देखो रहे हैं। सुनो मैं सुनो, वैसा नहीं बोला था, अल्लाह आप को समझ हाजिर, नहीं। सुनो मेरी देखो बात, एक मेरी बात नहीं, सुनो नहीं, 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 आपने गलत इश्यू बना लिया एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह में। बोलकर बोले ने बोले आप बोला अल्हम्दुलिल्लाह इसके बिक्री अच्छी हो रही बोल के बोले ने बोले। हाँ तो सही है ना। और आपके देखो कुरान हाँ में, सुनो भाई मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके कुरान में ये लिखा हुआ है कि किसी को धोखा दे के अपन पैसा कमाना, ये बात तो सही है, बट लिखा हुआ ऐसा है नहीं क्या? है। देखो जैसा किसी की इज्जत जो है तो किसी की अपन ये नहीं कर सकते ना आप बोल रहे हैं पब्लिक जहां पर में। मोमे क्या, क्या बोले थे आप? मोमेटिन, मेरे को सॉरी मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, अच्छा मुस्लिम को क्या बोलते हैं आप? मोमेटियन, मोमेटिन, वहां पर जहां पर ये लोग आ गए वहां पर इसकी बिक्री नहीं होगी, हम लोगों में यानी हिंदुओं में ज्यादा इसकी बिक्री होती। जो एक बार लंगोट पहन लेता, मुद्गर पहनने के लिए लंगोट पहनना जरूरी है आपको पता ही है, हाँ पता है होता है। जो लंगोट पहन लिया वहां पर मजहब कास्ट या जात नहीं आती, धर्म कौन सा भी नहीं नहीं ये आता। बात तो सही है ना जो भाई। एक बार लंगोट पहन लिया उन्हें सिर्फ उसकी कास्ट पहलवान, हाँ सही है। उसको नहीं मोहम्मद नहीं बोलते। यहाँ पर कोई भी अमर आप अकबर जो है एंथोनी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं आप जो है ना तो आपका जैसा आपका मकसद क्या था क्या था कि जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए जी? और इसको जो है तो शेप उसका शेप जो आप बोल रहे जी तो मैंने आपको ये भी बताया कि शेप आप जैसा बोलेंगे वैसा आप बनता है जैसा हम लोग बोलेंगे के पास। वैसा मैं, आप जैसा बोलूंगा वैसा आप शेप बना देंगे। बराबर है सर। आपके मुदगर में करला कट्टी कौन सा है और जो क्लब बेल कौन सा है, क्लब्स कौन से हैं, मेक्स कौन से हैं, ये आप मेरे को जानकारी दे सकते हैं क्या? आप हाँ सही है। नहीं दे सकते आपके आपसे ज्यादा तो नहीं समझ सकते। फिर करला कट्टी के बराबर अंदर कितने प्रकार आते हैं? किसानों के लिए भी मुदगर तैयार होता है, बता सकते हैं आप उसके अंदर कौन सा शेप यूज हाँ होता है? सही है। डायमीटर आप आता है, उसका डायमीटर बता दीजिए आप मेरे को। 10 किलो के मुदगर करला कट्टी का है, 10 किलो के मुदगर का सही डायमीटर है। क्या नहीं रहता है बताइए मुझे। नहीं वो तो आपको ही पता है हमसे ज्यादा। छोटे बच्चों के लिए कौन सा मुदगर प्रोवाइड कराते हैं आप? नहीं वो तो वो जो लाइटली 1 किलो 1.5 किलो में बनाते हैं हम लोग। उसका शेप कैसा रहता है बड़े भाई? हाँ नहीं वो तो आपको ही पता है, हाँ जी आपको ही पता है सर अभी आपसे रिसेंटली ज्यादा। मेरे को आप एक गधा भेजे हाँ नहीं जैसे उसको दो शेप बता एक्चुअली वो मैं मेरा ये बता रहा था आपको कि मतलब मेरा मैं वो तो मैंने आपको पूरे फोटोज डाला ना जो कि मतलब नासिक में जो लोग ने ये किए थे ना फोटोज पेपर वगैरह लिए थे पेपर वालों ने उन्होंने। वालों को भी बड़े भाई, ये सिवाय पहलवान के मीडिया को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, माफी चाहता हूँ मैं मीडिया से, लेकिन मीडिया को जब तक सही नॉलेज नहीं आता वो लोगों हाँ को भी ये इसके बात बारे में पता नहीं है। मीडिया सही बात पढ़ा है। लिखा इंसान है, सही बात पहलवान है सर। लाल मट्टी में घस के उसकी मेहनत करके उन्हें आगे बढ़ता, जितना उसको मालूम मीडिया को भी नहीं मालूम, इवन डॉक्टर को भी नहीं मालूम मुदगर के बारे में। हाँ सही है। वो लोग कलम चलाने वाले, मीडिया रहने दो या कोई और पढ़ा लिखा इंसान रहने नहीं दो, नहीं वो तो मैं वो आपको लोग जैसा कि कलम जैसा अरे चलाने हम वाले लोग की हैं बात हुई थी ना अपने दोनों की जो बात हुई थी ना जी। तो इसके ऊपर डाला था मैंने आपको बताया था जैसा कि मेरे को मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि मेरे को इस सब चीज का इतना नॉलेज नहीं है बट इसमें नुकसान जैसा किसका हो रहा? धोखे में कौन जा रहे? गवर्नमेंट से टैक्स आपका हाँ धोखा आप गवर्नमेंट से भी कर रहे हैं, पब्लिक से भी कर रहे हैं, बस पब्लिक को ये चीज मालूम, चाहे बराबर वो नहीं मैं रहने दो या कोई और रहने दो, जैसे कि ज्ञान सिंह और भी कई सारे लोग हैं जो मुद्गर का अभ्यास लोगों तक पहुंचाना चाह रहे, हाँ। सही बात है सही सर। तरीके से उसको पहुंचाना चाह रहे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं भाई? आपका बिजनेस चल रहा, चलो लॉकडाउन की मेहरबानी आपका बिजनेस चल पड़ा, ऊपर वाले का शुक्र मना के अब सही से चीज बेचना, आप ना तो शेप सही से लगा रहे, वो गधा भेजे अब उसको कौन कहाँ से पकड़ेगा बताइए मुझे। अरे नहीं वो सर एक्चुअली 4.25 फीट का है वो बड़ा वाला है भाई मैंने लगा था मेरे उसके पास आपको पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्गर है जो कि 7.5 फीट का नहीं है, नहीं वो उसकी नहीं जैसा वीडियो सर ये सुनिए जो मेरी मैं बात। भेजा ना आपको हाँ तो ये डिजाइन बता रहा था मैं आपको जो हमारे पास में 4.25 फीट का बना है तो हाँ इसका जो डंडा है सर हाँ तो डंडा इसका कितना 2.5 फीट का है और गधा, एक बात एक छोटी सी बात मेरे को बताइए, गधा का जो गधा बनाए आप, पता है आपको हाँ गधे के अंदर अभ्यास कैसा किया जाता है? नहीं हाँ मुदगर घुमा पता जैसे घुमाना है क्या गधे को भी? नहीं बराबर है अलग घुमाना पड़ता कैसा घुमाते बताइए आप? नहीं वो भी नहीं मालूम मुझे। मुदगर घुमाने से पहले कौन सा अभ्यास करते हैं आपको उसके बारे में नॉलेज है?
नहीं, वो तो आपको नॉलेज होना है उसका, जो पहलवान है ना आप, तो आप तो मेरे से ज्यादा मालूम आते हैं। फिर आप क्या बेस पे पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, मेरे को समझाइए आप एक बार। कैसा नहीं धोखा तो नहीं दे रहे सर, नहीं दे रहे बताइए मतलब आप मुझे। धोखा जैसे जो आप आपने बनाया है क्या वो मुद्गर कहलाता है? बस उसको एक राउंड शेप दे दे के ऊपर से एक बैट की तरह हैंडल दे डाले, क्या वो मुद्गर बोलते हैं उसको? मुद्गर के कितने नाम है बंगाल में? इसको मुद्गर को क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए। दिल्ली में मुद्गर को क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए। कलकत्ता में क्या बोलते हैं? हरियाणा में क्या बोलते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? फिर नहीं, ये नहीं बता सकता, इतनी सारी लैंग्वेज ही नहीं आती सर। मुदगर को, मुदगल जो आप मुदगल बना रहे हैं, मुदगर बना रहे हैं उसके आपको ठीक से नाम ही नहीं पता है। छोटे बच्चों के लिए अलग आता है, डेली जो घर के अंदर काम करते हैं उनके लिए अलग आता है, बिगिनर्स के लिए अलग आता है, जो ओल्ड एज के रहते हैं 50+ के रहते हैं उनके लिए अलग आता है। बराबर समतोला का अभ्यास बता सकते हैं क्या आप? और गदा कौन चलाते बता सकते हैं क्या आप? हर किसी को गदा चलाना आता क्या? नहीं यार, किसी के तो नहीं आता। कितना कठिन होता गदा चलाना? गदा अभ्यास कितना कठिन रहता आपको पता है क्या? नहीं फिर क्या कर रहे हैं आप एक बार सोचिए। सिर्फ पैसा है तो हर किसी हर एक चीज नहीं रहता ना सर। सही बात है। फिर फिर अभी क्या करना है बताओ। आप सीखो पहले, अरे सर आपसे सीखेंगे ना, आप किससे सीखेंगे बताओ आप। आप सीखो पहले, आप डेमोन्स्ट्रेशन दो, उसके बाद में जो आप मुद्गर दे रहे हो उसका बिल प्रोवाइड करो पब्लिक को, गवर्नमेंट को अच्छा टैक्स बंदो। आपको जो ओके। 40 से 50 रुपए में मुद्गर पड़ रहा है, हाँ, टैक्स नहीं बनने सर के बाद इतना में सस्ता तो नहीं, सुनो सर इतना में नहीं बनता पड़ता है, थोड़ा देखो यार, महंगा लकड़ी तो रहता आपकी है। फ्री की है। नहीं सर फ्री नहीं है ना। चलो अगर आप जंगल से जाके काट के ला रहे हैं तो आपको प्रति नहीं किलो देखो, दस लकड़ी जो है दस तो थोड़ा महंगा है, मतलब 400 साढ़े 400 रुपये घन फीट मिलता है। 400 साढ़े 400 रुपये। आप तो बोले जंगल से जाके घन काट के फीट लाते हम। घन फीट घन फीट बोला था ना सर। मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपकी। हाँ सर घन फीट जंगल से लाते, लेकिन घन फीट से मिलता है वो। आप टैक्स पे करते आप? टैक्स नहीं पे करते। फिर बराबर है, टैक्स पे करने के बाद में उसका जो रेट रहता है वो आपको पता है कितना आता? बराबर है, ज्यादा आता। आपने सिर्फ एक 8 लेबर लगा दिया और 8 मशीन लगा दी, धंधा चल पड़ा लॉकडाउन में। हाँ आप शुक्र मनाने का जो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा धंधा कारोबार चल रहा बोलकर आप इसमें खुश है। आप बराबर खुश है। कितने लाख का बिजनेस करे आप तब तक? आप कह के एजेंट 25 से 30 लाख का बिजनेस करा बोल के आप मुझे शान से बोल रहे थे। आप कितने कमाए? गवर्नमेंट को बोल सकते हैं आप मैं इतने कमाया, मैं इतना टैक्स पे करना चाह रहा हूँ बोल के पे करते आप। नहीं बराबर है। फिर आप लाए बीच में अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर। हाँ कहीं लिखा हुआ है क्या ये? नहीं, फिर आप पब्लिक से धोखा कर रहे हैं, आप आपके जो तो आप बताओ सर आप गवर्नमेंट से धोखा क्या कर रहे करना हैं, चाहिए। हाँ, और आपकी मैं आखिरत आप खराब कर रहे हैं। अच्छा पता है ना आपको आखिरत किसको बोलते हैं? बराबर है, उतना फिर तो पता है। बोलिए आप कर रहे सो काम आप सही है बताओ गलत क्या है? करना चाहिए, वैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले यार इसका जो आप IT बनाइए, GST ओके बनाइए, ओके ओके उसके बाद में सीखिए आप मुदगर का शेप कैसा रहता है, साइज कैसा रहता है, ये कौन बता से। सकते हैं ना आप हमको तो इतना तो। मैं तो मेरे वीडियोस में डाला हूं, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब क्षत्रिय प्राणायाम। हाँ मैंने सब्सक्राइब किया है सर उसको। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करें, उसके स्टाइल सीखे, जितने भी आपके बंदे हैं उनको ओके सिखाइए। इसको अच्छा। आप समझाना लोगों की, ये चीज करने से इसकी नहीं कोई वो बीमारी दूर होती। थोड़ा बहुत जानकारी जैसे मिलती है ना सर, थोड़ी बहुत जानकारी, तो वो सब देखो इतना यार सब बता कोई भी सकते हैं डॉक्टर क्या है थोड़ा। मालूम, हाँ आधी पढ़ाई पढ़ के सर्जरी करने नहीं जाता। सही बात है। अगर आपको ट्यूमर हो गया, अगर आपको हाफ नॉलेज है किसी डॉक्टर को, आपका हाँ ट्यूमर तो चले जाता लेकिन ऑपरेशन फेल। उसको डिग्री नहीं मिलती पहली बात तो, सही फिर है। बगैर डिग्री के आप काम कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा ना? हाँ ये बात तो सही है। फिर तो उसका शेप वगैरह सही रहना चाहिए, वो तो आपकी वीडियोस में देख के आप हम लोग बना मुदगर के सकते हैं। बारे में लोगों तक पहुंचाओ, चलेगा, नहीं ये मतलब आपके टच एक्सरसाइज, में, आपके टच में रहूंगा ना तो ये एक्सरसाइज इसमें। करने से ये हाँ हाँ लाभ हाँ पहुंचेगा हमारे जिस्म को। ये एक्सरसाइज करने से ये हमारा ऑर्गन ठीक होगा, ये एक्सरसाइज करने से हमारा ये हड्डी सही होगी, बराबर।
समझे ना, और एंटी मतलब एजिंग हाँ ये है वो एंटी है, एजिंग बोलकर वगैरह, आप पब्लिक को अच्छे से समझाना। क्रैम्प नहीं आना चाहिए तो कैसा मारना चाहिए, ये सब आपसे सीख के बताना पड़ेगा। मेरे से और भी कई सारा तजुर्बेकार पहलवान है महाराष्ट्र में। है ना? एक बार आप या तो वाराणसी जाओ या तो फिर कोल्हापुर जाओ। महाराष्ट्र कोल्हापुर कितना है दूर आपसे? कोल्हापुर आएगा सर 350 से 400 किलोमीटर कितने दूर है? 6 से 7 घंटे का रास्ता है। बराबर। हाँ वहां जाकर सीखिए आप, बराबर। हाँ मुदगर का अभ्यास कैसा रहता है वहां पर जाकर देखिए कितनी कठिनाई से वो लोग लोगों को सिखाते। सही सुबह है वो 3 बजे तो। उठते पहलवान, अगर 4 बजे अखाड़े में रहता वहां का उस्ताद, 3 बजे रात से जगते रहता सबको तैयार करने के लिए। सही बात है। कितनी मेहनत लगती है इसमें, कितनी नहीं एक्सरसाइज, मतलब कितना अभ्यास करने के बाद आप में उसको मुदगर पकड़ाते हाथ में। अभी सर मेरे को आप मतलब जैसा कि आपका शागिर्द समझ के कैसे बता सकते, कैसे सिखा सकते, थोड़ा बहुत नॉलेज कैसे दे सकते आप? मेरे वीडियोस है आप देखिए, और भी कई वो सारे सब लोगों के लिखना है वीडियोस वो हैं। सब बोलना पड़ेगा आपको, जो बातें हुई हमारी, जो बातें की है वो सब बोलना पड़ेगा। अब मैं तो बोल रहा हूँ आप शागिर्द के हिसाब से, तो आप मेरे को सिखा सकते हो, मैं बता सकता हूँ, लोगों के पास पहुँचा सकता हूँ, आपकी वीडियोस में भी मतलब बता सकता हूँ लोगों को कि मतलब उस्ताद है भाई, इनका ऐसा ऐसा स्टेप है, ऐसे ऐसा इनका एक्सपीरियंस है, इनके हिसाब से ऐसा करना चाहिए। मेयर को मस्का लगाने से कुछ भी नहीं होता सर। मस अरे सर मैं आपका आप ऐसा गुरु नहीं, सुनो बोलेंगे? सुनो सुनो, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आप मेरे शिष्य नहीं है। नहीं है तो नहीं, लेकिन बन तो सकते ना। बिल्कुल, अगर आपको सीखना है तो आप अरे रेगुलर सर तो फर्स्ट सीखने आप के अभ्यास हिसाब से ही कीजिए। बता रहा ना आप। आप ऐसा बोलेंगे तो मेरे को तो ये कर दे रहे हो सर, जैसा वापस से मतलब कि क्या करूं, अच्छा नहीं, जैसे कि आप ऐसा बोल दिए तो फिर मेरे को सीखने को भी अच्छा, मन में भी अच्छा नहीं लगेगा यार, मतलब मैं इनकी नजरों में गिरा हुआ हूँ और ज्यादा गिर जा रहा हूँ। एक बात बताइए, आप आपके जो आप कार्य कर रहे हैं उससे आप हाँ संतुष्ट है क्या? संतुष्ट है ना सर? संतुष्ट है? गवर्नमेंट को मतलब धोखा देके, पब्लिक को हाँ नहीं धोखा वो देके, उससे नहीं है, उससे अल्लाहनिया को नहीं धोखा देके आप संतुष्ट है क्या? नहीं नहीं फिर ये खुद बात में आप कर रहा संतुष्टि लाइए फर्स्ट। है बराबर। हाँ सुने, सुधारिए आपके आपके सही है, आखिरत को सुधारिए। सही बात ऊपर जाके मुंह दिखाना रहता, है। हाँ सही बात है। समझे? आपके आखिरत को सुधारिए, सुधारिए। सीखने सिखाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी हुई है। जितना भी आपका इलीगल बिजनेस है फर्स्ट उसको लीगल करिए, चलेगा सर, समझे क्या? आप GST पे करिए, आप इनकम टैक्स पे करिए, उसके बाद में लगाइए। जो ओके भी कार्य ओके आपको होता है वो बिल के थ्रू करिए, चलेगा सर, कम से कम इतना तो करिए आप फर्स्ट, चलेगा चलेगा उसके बाद में बेचिए। आप मुझे समझा के पब्लिक को कि इस तरह से होता है इसका। फिर चलेगा। हाँ तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसा कैसा मतलब कैसा बताना चाहिए पब्लिक को, क्या करना चाहिए? ये तो मैं कर ही दूंगा, आपने जो बताया अभी फर्स्ट है तो कर ही दूंगा, पास हो जाऊंगा समझ लो इसमें, बट पब्लिक को कैसा बताना चाहिए ये देखिए, आप YouTube आपसे सर्च सीखना। करिए, मेरा ये ज्ञान सिंह बोलकर, ज्ञान सिंह जोड़ी बोलकर YouTube चैनल है हाँ नहीं वो वो। तो YouTube चैनल देख लिया ना आपका, इसीलिए तो आपको कॉल किया था, और वो मैं ये सब्सक्राइब भी किया था आपका, लाइक भी किया था, और फिर मेरे से जितने भी बंदे लोग हैं सबको बताऊंगा, बट अभी नहीं बता सकता, अभी जी तो मेरा नाम आया है ना। बस करिए पहले, कुछ आप भी नहीं आपकी था। ये तो काम करिए आप पहले, ठीक चलेगा चलेगा, है? हमेशा थैंक यू देखो थैंक यार, 2 रुपए कम कमाओ लेकिन ईमानदारी के कमाओ। यू। नहीं सही बात है सर आपकी, बट जैसा कि मैं भी आपसे माफी मांगना चाहता था कि सर मतलब कोई गलती से गलत बात हुई होगी तो इसके लिए सॉरी, और फिर आपकी जो ये है मतलब मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लगा कि एक पहलवान के दिल को दुखाना, मेरा मतलब ये नहीं था सर मेरे कि दिल को किसी के दिखाने का मन को, छोड़ो आप, नहीं नहीं सर सुनो जैसा कि सुनो सब बात सुनो, तो मेरे आपका दिल दिल को दुखाऊंगा दुखाना ना। छोड़ो। आप हाँ मुस्लिम्स को बीच में लाए, आप अल्हम्दुलिल्लाह बोले। अगर हाँ ये नहीं बात मुस्लिम सुनो, ये बीच में अगर नहीं मेरा लाया था वीडियो सर आपके मैंने। अड़ोस पड़ोस वाले को, या आपके जो हुक्मरान रहते, जो मौलवी साहब रहते, अगर वो लोग ये वीडियो अगर मेरा सुन लिए हाँ तो आपके नाम का तो फतवा जारी हो जाएगा कि अल्लाह को बीच में रखे तो कैसा बोलता भाई इधर बोल के।
सही बात है सर, सारे के सारे आप लोग इतनी आपके अगेंस्ट हो मेरा जाएंगे। इतना काम, मेरा इतना काम कीजिए बस, इतनी वीडियोस को अब वीडियो मैं को एक ये बात कर बोलता हूँ, दीजिए। मैं अब एक बात बोलता हूँ, आप जो है तो कुरान में हाँ आपके लिखा हुआ है क्या बोल के पूछ रहा हूँ मैं, नहीं आप खुद नहीं भूल नहीं डाले कि नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है हाँ, सर, आपके ऊपर कौन भरोसा करेंगे आगे चल के? फिर नहीं नहीं सर, ये बात तो सही है, चलेगा सर आप, इसलिए मैं सॉरी माफ़ी मांगता हूँ आपसे, सिर्फ इतना मतलब आपका ये जो आपने वीडियो डाले तो मेरे लिए मतलब, तब देखो मेरे भी तो इसका सवाल है ना, किसका सवाल है? अरे सर इसका मतलब मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लग रहा कि जैसा कि कोई देख लिया मेरी वीडियो मेरे नाम का तो अच्छा नहीं आपके अड़ोस लगेगा। पड़ोस की मस्जिद वाले अगर कोई मौलवी देखे तो सोच वही लेंगे ना आपको वही क्या ना, हालत देखो होती। अभी मतलब आपके भी उसमें मेरे भी उसमें कि किसी को एक चांस देना तो अच्छी बात है ना, चांस तो दे सकते ना मेरे को सुधारने का। आप आपका पूरा वर्क लीगली करिए, उसके बाद में मैं खुद ब खुद आपका वीडियो हटा दूंगा, ठीक है? चलेगा ठीक है, थैंक यू सर, चलिए ठीक है फिर। थैंक यू सर।